हाय दोस्तों, भाई कैसे रहे को? नए वीडियो में स्वागत। दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों आ चुका हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने लोगों से, आपने थंबनेल में देख लिया, मैं आपको क्या बताने लगा दोस्तों, एडीआईटी कोर्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म एंड इसके बेसिक के बारे में आपको बताने लगा, बेसिक नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ इसके बारे में। दोस्तों आप भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो तो इस वीडियो को मैं कहता हूँ आप ध्यान से देखना। इसके मतलब अगर आप भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो भाई, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को ध्यान से देखना। इसकी मत करना, 5 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेते हो तो यार आप बिल्कुल कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो तो बिल्कुल 5 मिनट वीडियो बिल्कुल 100% आप देख लेना, आपके लिए काफ़ी पावरफुल वीडियो होने वाला है, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को ध्यान से देना। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करना, मन से कमेंट करना, प्यार से भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा भाई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आलोक हम जानेंगे क्या एडीआईटी कोर्स क्या होता है। सबसे पहले एडीआईटी दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है, इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है एडीआईटी का फुल फॉर्म? एडवांस डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों ये कोर्स कितने साल का होता है? ये कोर्स 1 साल का होता है। कितने साल का? 1 साल का होता है। दोस्तों इसके करने की योग्यता क्या होती है? दोस्तों अगर हम 10th पास होते हैं तो बिल्कुल इसको कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। दोस्तों 10th पास के बाद आप इसको कर सकते हो, ये कोर्स 1 साल का होने वाला है। दोस्तों अब बात करें इसकी फीस की, तो इसकी फीस आपको आपके मार्केट के हिसाब से, आपकी से कोचिंग सेंटर होगा उसके हिसाब से जैसे लेते होंगे भाई उसके हिसाब से, लेकिन ज़्यादा तो मैं आपको बताऊंगा तो उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, 8,000 से ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। 100% 7.5 में आपका काम हो जाएगा, 1 साल का कोर्स है यानी कि 12 महीने का 1 साल का कोर्स होता है भाई। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पढ़ने के बाद ये कोर्स अगर आप करते हो कंप्लीट होने के बाद आपको कौन सी जॉब मिलेगी, जॉब आपकी सैलरी कितनी यानी कि आपकी सैलरी कितनी होगी जो जॉब मिलेगी, इसमें इनकम अच्छी खासी होती है, यानी कि इस कंप्यूटर कोर्स करने के बाद हम अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो भाई सारी कुछ नॉलेज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड भाई लास्ट तक देखना, स्किप करोगे तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर दोगे भाई, स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम बात करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एडीआईटी एडवांस डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बात करें भाई इस कोर्स में आपको कौन कौन सी चीज़ पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना भाई। ये इसमें तीन सेमेस्टर होता है यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 सेमेस्टर यानी कि आपको 1 साल का कोर्स है, 1 साल कोर्स है, उसमें आपको 3 यानी कि साल में आपको 3 बार पेपर देना है, पहले 4 महीने पे देना पड़ेगा, फिर 4 महीने पे, फिर 4 महीने पे, उसके बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप पेपर देने के बाद आपको चारों यानी कि 1 साल कंप्लीट है तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा, जहाँ से आप करोगे वहाँ से, यानी जहाँ से आप करते हो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपल कहूँ, उसके पहले यहाँ पे जब आप सीखने जाओगे तो क्या क्या आपको वहाँ पे बेसिक चीज़ें यानी कि क्या क्या वहाँ पे पढ़ना होता है ध्यान सुनना। सबसे पहले यहाँ पे आपको पढ़ना होगा फर्स्ट जो सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या कहते हैं, एमएस पॉइंट हो गया, नोट पैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, यानी कि कुछ ही बेसिक नॉलेज यहाँ पे मैं कहूँ, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल कंप्यूटर दोस्तों पहला आप टॉपिक ही होता है। फंडामेंटल कंप्यूटर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे हो गया एमएस पॉइंट हो गया, नोट पैड हो गया, वर्ड पैड। अब एमएस पॉइंट कितने दिन खत्म होगा? 15 दिन मैक्सिमम, अगर आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी जल्दी खत्म कर पाते हैं आपके यानी कि कैसे इसको यहाँ पे यानी कि एमएस पॉइंट 15 दिन के पहले पहले खत्म हो जाता है यहाँ पे। और बात करें नोट पैड वर्ड पैड तो भाई ये 3 दिन 2 दिन ऐसे यानी कुछ है नहीं इसमें, आप सीखोगे तो खुद जान जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं भाई माइक्रोसॉफ्ट यानी माइक्रो एमएस ऑफिस पेज, यहाँ पे एमएस ऑफिस पेज तो 2007 2010 2013 2016 2019 कोई भी वर्जन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसमें आप कहीं भी सीखने जाओगे तो यहाँ पे 2007 भी आपको मिलेगा यहाँ पे एमएस ऑफिस। तो भाई यहाँ में आपको एमएस वर्ड हो जाएगा, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, इसके बाद एक्सेल हो गया, यहाँ पे पिक्चर मैनेजर हो गया, यहाँ पे आपको आउटलुक हो गया, यानी कि इस सब यहाँ पे आपको पढ़ने के। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है ध्यान से सुनना। सेकंड सेमेस्टर आपको पढ़ना होता है यानी कि DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिकेशन, DTP यहाँ पे यानी कि फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। अब इसमें आपको फोटोशॉप, आप लोग जानते हैं फोटो से आपका फोटो एडिट करना होगा, ये सब आपको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा इसमें। तो फोटोशॉप हो गया, उसके बाद कॉरल ड्रॉप हो गया, साथ में पेज मेकर हो गया, पेज मेकर जैसे हम लोग कोई शादी का कार्ड बनाते हैं भाई, ये सब हो गया। उसके बाद ये था सेकंड सेमेस्टर, आप चलते हैं हम सेमेस्टर नंबर थर्ड, थर्ड सेमेस्टर में चलते हैं सबसे लास्ट वाले। तो भाई बात करते थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पे आपको HTML यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, HTML हो गया, टाइपिंग हो गया, मैनेजर हो गया, स्टोन हो गया,
उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट हो गया, इंटरनेट सर्विस यानी कि सॉफ्टवेयर, या यहाँ पे आपको इस यानी कि कुछ आपको बेसिक से एडवांस। अब यहाँ पे आप कहाँ पहुँच चुके हो, एडवांस लेवल पहुँच चुके हो भाई। नहीं, एडवांस लेवल में आपको बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप बेसिक बेसिक में क्या होता है, जैसे बेसिक में हो गया एमएस पेंट, नोट पैड, वर्ड पैड, एमएस वर्ड यानी कि पावर पॉइंट, ये सब हो गया बेसिक। उसके बाद जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको यानी कि बेसिक से पढ़ाया जाएगा और एडवांस तक, एडवांस में आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा भाई। अब बात करते हैं भाई, आप इसको करने के बाद आपका जस्ट इसको आप सर्टिफिकेट कहीं पर यूज कर सकते हो कोई बड़ी जॉब के लिए, यानी कि कोई बड़ी कंपनी में आप जॉब करने जाएंगे तो वहाँ से आपका पहले इंटरव्यू होगा। जब इस सर्टिफिकेट को लेकर जाएंगे भाई, आप इंटरव्यू का इंटरव्यू देने के बाद मैं बात करूँ तो इसको जो जॉब है इसकी सैलरी कितनी होती भाई, ये ADIT करने के बाद एडवांस डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों बात करें तो भाई इसकी सैलरी कितनी होगी मंथली की, तो भाई इसकी सैलरी तो 20 से स्टार्टिंग होगी। अगर आप कहीं बड़ी कंपनी आते हैं बड़ी कंपनी में तो वहां से आपकी 20 से 25 के बीच में आपकी स्टार्टिंग होगी, और आपकी भाई आपके मैनेजर के ऊपर जैसे आप बढ़ती जाएगी यानी कि दिन दो महीने तीन महीने चार महीने बाद तो डेली बढ़ती जाती है भाई इनकम। तो इसी प्रकार की आप बात करें तो 20 से लेकर 30,000 के बीच में बिल्कुल मंथली से मतलब महीने के आराम से कमा सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। एक साल कोर्स है आप कर लेते हो तो आपका ही फायदा होने लगा। तो भाई मैंने बताया आपको ADIT कोर्स क्या होता है, एडवांस डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको बिल्कुल आप करने के बाद अच्छे से जॉब कर सकते हो। यानी कि 5 घंटे आपको काम करना है और महीने के 30,000 कमाना है, कोई बड़ी बात नहीं भाई। आप एक साल कोर्स कर लेते हो तो काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो घर बैठे, एंड घर बैठे भी कमा सकते हो भाई, एंड बिल्कुल आपको कहीं बाहर जाके बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हो अच्छे से। तो भाई आई होप वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल कमेंट्स करना, एंड कोई भी डाउट हो उसके लिए भी कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कमेंट चलेगा उसके लिए वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। तो मिलते कुछ और नेक्स्ट वीडियो के साथ, दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।